बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और नई कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है भूतिया पेड़। किसी जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत घना पेड़ भी था। सभी जानवर उस पेड़ से दूर ही रहते थे, क्योंकि उन सब का मानना था कि उस पेड़ पर भूत रहता है। एक दिन जंगल में भालू आया और वह रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। मैं इस जंगल में तो आ गया, मगर अपनी गुफा कहाँ बनाऊं? तभी भालू को वो भूतिया पेड़ दिखता है। यह जगह थोड़ी डरावनी लगती है, पर यहाँ शांति बहुत है। मुझे अपनी गुफा यही बनानी चाहिए। भालू उस पेड़ के नीचे पहुँचता ही है कि तभी वहाँ बंदर और हाथी आ जाते हैं, और भालू को वहाँ अकेला देखकर बंदर बोलता है, अरे भालू भाई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहने के लिए गुफा बना रहा हूँ। भालू भाई, तुम यहाँ अपनी गुफा नहीं बना सकते, यह जगह सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? हाथी भाई ठीक बोल रहे हैं, इस पेड़ पर तो भूत रहता है। तुम मेरे घर के नीचे अपनी गुफा बना लो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यह सच है तो मैं अपनी गुफा बंदर भाई के घर के नीचे ही बनाऊंगा। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। भालू अपनी गुफा ठीक उसी पेड़ के नीचे बनाता है जिस पेड़ पर बंदर रहता था। भालू निश्चिंत होकर वहाँ रहने लगता है। एक दिन भालू जंगल में घूमने के लिए निकलता है। घूमते घूमते वो उसी पेड़ के नीचे जा पहुँचता है। अगर इस पेड़ पर भूत रहता है तो वह मुझे इतने दिन से दिखाई क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। भालू के ऐसा कहते ही पेड़ के ऊपर से आवाज आती है, तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौन है यहाँ? मैं इस पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। भालू डर कर वहाँ से भाग जाता है। भूत, भूत, भागो, भागो। अपनी गुफा में पहुँच कर भालू बंदर को बुलाता है। अरे भाई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बंदर भाई, मैंने अभी भूत देखा, वही उस पेड़ के नीचे। क्या भूत? मैंने तुम्हें वहाँ अकेले जाने से मना किया था, तुम अभी इस जंगल में नए हो, और वो भूत तो बहुत खतरनाक है, उसने पहले भी कई जानवरों को नुकसान पहुँचाया है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, आज के बाद मैं कभी भी वहाँ अकेला नहीं जाऊँगा। भालू अब उस पेड़ के पास कभी अकेला नहीं जाता था। एक दिन भालू को जंगल में एक गोरिल्ला दिखता है। लगता है यह गोरिल्ला जंगल में नया आया है, वरना आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। भालू उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद भालू देखता है कि गोरिल्ला उसी पेड़ पर चढ़ जाता है जिस पेड़ पर भूत रहता है। ये देखकर भालू बंदर के पास जाता है। बंदर भाई, मैंने अभी अभी ये गोरिल्ले को भूत वाले पेड़ पर चढ़ते हुए देखा, शायद वह इस जंगल में नया है। पर गोरिल्ला को तो उसकी दुष्टता के कारण काफी समय पहले इस जंगल से निकाल दिया गया था। तो फिर वो जंगल में क्या कर रहा है, और उस भूत वाले पेड़ पर क्यों चढ़ गया? क्या वो नहीं जानता कि उस पेड़ पर भूत रहता है? बंदर सोच में पड़ जाता है। वह समझ जाता है कि पेड़ के भूत के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। बंदर रात को भूतिया पेड़ के पास ही एक पेड़ पर चढ़कर छुपकर चिल्लाता है, अरे वाह, बहुत दिनों के बाद किसी गोरिल्ले की खुशबू आ रही है, आज तो पेट भर कर खाऊंगा, और यह गोरिल्ला तो मुझे देख भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो भूत हूँ। गोरिल्ला ये सब सुनकर डर जाता है। वह सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करता है, फिर वह उन्हें सारी बात बताता है। बंदर अभी भी उसी तरह से चिल्ला रहा होता है, आज तो मैं गोरिल्ले का मांस खाकर ही पेट भरूंगा,
पर भूत तो इस पेड़ पर रहता था, फिर आवाज उस पेड़ से कैसे आ रही है? महाराज, पेड़ पर कोई भूत नहीं रहता। आपने मुझे जंगल से निकाल दिया था, इसलिए मैं इस पेड़ पर आप सबसे छुप कर रहता था। सभी जानवरों को मैंने ही भूत बनकर डराया था, जिससे कोई मुझे देख ना सके। लेकिन अब यहाँ सचमुच का भूत आ गया है। ये सब सुनते ही बंदर नीचे आता है और सबको बताता है, यहाँ कोई भूत भूत नहीं रहता। पेड़ पर रहने वाले भूत का सच सामने लाने के लिए ही मैं भूत बनकर इसे डरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे इसने हम सबको डराया था। गोरिल्ले का झूठ पकड़ा जाता है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह सभी जानवरों को भूतिया पेड़ से छुटकारा मिल जाता है और वे सब खुशी से बिना डरे जंगल में रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें डर का सामना बहादुरी से करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।